खाचरौद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद दूसरे चरण में जहां जहां भी चुनाव हुए थे वहां पर पंच, उपसरपंच और सरपंच पद की शपथ ली गई। लेकिन खाचरौद तहसील का एक गांव ऐसा भी है जहां पर सरपंच, उपसरपंच और पंच ने शपथ ग्रहण करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसके पीछे की वजह भ्रष्टाचार बताई है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत बटलावदी में बुधवार को शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया था। इसमें नवनिर्वाचित सरपंच प्रहलाद सोलंकी और उपसरपंच मुकेश चंद्रवंशी और 16 पंचों ने शपथ ग्रहण नहीं की क्योंकि ग्राम पंचायत का जो चार्ज रिकॉर्ड है उसमें कई प्रकार की गड़बड़ियां पाई गई हैं। मैं हम इसलिए इसका विचार कर रहे हैं तो पद का कि 8 साल का हमें कोई ना तो हिसाब मिला ना कोई सामान यहाँ पे उपयुक्त मिला है। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे को पूरा चार्ज तभी लेंगे कि 8 साल का जितना सामान आया गया है, मोटर है, लाइनें हैं, टेबल कुर्सी है, लैपटॉप है, बैटरिया है, सो जितने भी जो सामान है इलेक्ट्रिक उपकरणों से लेकर जो वास्तविक सिंचाई तक का जो गांव को पेयजल पिलाने का जो जितने भी सामान है सब हमें मिलेंगे तब जाके हम सफर लेंगे। मैंने 10 दिन पहले बोला था कि आप यथास्थिति जो भी सामान है यहाँ पे आप पंचायत में ला के रख देना तो मैं चार्ज लूंगा। इससे मैंने 15 दिन पहले ही सचिव का अवगत करवा दिया था। और ऐसे तमाम इसमें बिंदु दिए हुए हैं, कुछ लाइटों का उल्लेख है, पानी के टैंकर है, कुर्सी, टेबल, स्टैंड इत्यादि का इसमें उल्लेख दिया गया है जो कि सामान इन्हें चार्ज लेते समय प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में आवेदन